वर्क विथ क्यों? सिस्टम के साथ काम क्यों? अरे हजारों सालों से रिसर्च किया, बिना सिस्टम के काम करने से इंसान को कभी फायदा नहीं हुआ, उसकी प्रोडक्टिविटी डबल ट्रिपल नहीं हुई, उसको नुकसान ही नुकसान हुआ। सिस्टम से काम किया तो रिजल्ट्स ने अपनी पराकाष्ठा पहुंचा दिया। आपको पानी निकालना है जमीन से और आपको डिपार्टमेंट ही कह रहा है 600 फीट खुदाई कर दे, पानी आ जाएगा। अब आपने खुदाई चालू कर दी और 60-60 फीट के 10 खड्डे खोद लिए और आपने कहा पानी नहीं आया, उल्लू बनाते हो। तुमने बोला था 600 फीट खुदाई करो, हमने देख लो खोद दी, जोड़ लो, समझ लो। क्या बताने वाले की गलती है? तूने सिस्टम को आउट किया, तूने 10 खड्डे 60-60 फीट के खोदे, पानी नहीं आएगा। एक साथ एक डायरेक्ट में तुझे खोदना था। दिस इज सिस्टम। सिस्टम के बिना काम करेगा रिजल्ट नहीं आएगा, सिस्टम के बिना जिंदगी में रिजल्ट नहीं आएगा। और सिस्टम जब ढलता है किसी चीज में तो एनर्जी का रूपांतरण कई गुना लिवरेज हो जाता है। सिस्टम लिवरेज करता है रिजल्ट्स को। जब पहली बार दुनिया में ट्रक पंचर हुआ तो 500 लोगों को बुलाया, ट्रक का पंचर निकलवाने आओ। 500 ने उठाया, टायर बदला। तो क्या हर बार 500 आ सकते हैं? किसी के दिमाग में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन दौड़ गया और बना दिया एक सिस्टम जिसका नाम है जैक। 15 साल का बच्चा ट्रक के टायर का पंचर निकाल देता है, टायर बदल देता है। 500 का काम 15 साल के बच्चे ने किया। पावर ऑफ सिस्टम। सिस्टम में ताकत है। सिस्टम मानी चीजों को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करके दुनिया में सबसे अपेक्षित रिजल्ट जो आपको देवे उसको एडॉप्ट करना। सारी दुनिया के नेटवर्कर, सारी दुनिया के मार्केटियर भाग रहे हैं नो डायरेक्ट सन डायनेमो। अरे सही जगह चोट मार जिससे रिजल्ट अच्छे आए। वर्क विद सिस्टम। एक बंदूक की गोली को फेंक के यूं मारे, आप पर नहीं भाई साहब, एग्जांपल है, बंदूक की गोली को फेंक कर यूं मारे कुछ होगा? वो यूं करेंगे और बंदूक में डाल के मारे, अब वो क्या करेंगे? अब तो अपन करेंगे पार्टी भी वही, बंदूक की गोली भी वही। रिजल्ट्स में परिवर्तन कैसे आया? जिस टाइम एनर्जी ने सिस्टम को एडॉप्ट किया, ऊर्जा का लिवरेज हो गया। आपकी एनर्जी जा किधर रही है थोड़ा सोचो और विचार करो। जिस प्लान को दिखाने में, आपको किसी व्यक्ति को दिखाने में जिन जिन एक्सपर्टीज की और स्किल्स की जरूरत है वो है कि नहीं है? कौन सी चीजें हैं जो दुनिया को सबसे ज्यादा रिलेट करवाती है? कौन सी चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करवाती है? कौन सी चीजें हैं जो आइडियोलॉजी क्रिएट करती है? इन सबको मिलाकर सालों से अनुभवी लोगों ने जो चीज बनाई उसका नाम है सिस्टम। सिस्टम से काम करो। क्या करो ये बाद की बात है, पहले सिस्टम से करो। सिस्टम मानी सही उपाय, सही तरीका। आग के ऊपर आपने पानी से भरी हुई भगोनी चढ़ा दी और अब ऊपर से हवा कर रहे हैं, ठंडा हो जा, ठंडा हो जा। ये कितने साल में पानी ठंडा होगा? और आप कह रहे हैं देखो हवा भी कर रहा हूं। कई डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं, कहते हैं सर मैं काम भी कर रहा हूं, हो ही नहीं रहा। तू भगोनी को आग पर से उतार, अपने आप ठंडा हो जाएगा। तू सिस्टम से करना, उपाय सही करना। उपाय सही नहीं करेगा तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। अरे मुंह में नमक की डली दबा रखी हो और बाहर से रसगुल्ला खाया हल्दीराम का, खारा, तो रसगुल्ला खारा है ना, है ना, है ना? कई कह रहे हाँ। चलो अब बीकाजी का लेके आए बीकानेर से, ये भी खारा। अब इसको क्या ओबामा का रसगुल्ला लाके दे इसको? अच्छा कितने लाख रसगुल्ले खिलाए हैं कि स्वाद मीठा जाए? अरे बोलो ना अजी की प्रॉब्लम रसगुल्ले में है नहीं। नमक की डली निकाल, रसगुल्ला बाहर पड़ा पड़ा भी तेरे अंदर मीठा स्वाद भर देगा, इतना पावर है उसमें। लेकिन सिस्टम में ताकत, सिस्टम में लगेगी ताकत, सिस्टम से होगी तो वर्क होगा। पूरी दुनिया में लोगों को खबर ही नहीं है करना क्या है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, उसका सिस्टम ही नहीं पता। और जब जब जो सिस्टम को एडॉप्ट करता है वो लाइफ में लोगों से अलग हो जाता है। जब अपने सर्दी आती है और सर्दी जाती है तो होंठ फटते हैं ना अपने, तो सारी दुनिया के लोग बोरोप्लस इधर, वेस्लिन इधर, कुछ भी इधर। कुछ नादान है दुनिया में जो सरसों का तेल लगाते इधर और दुनिया उनको पागल कहती है, फट किधर रहा है, लगा किधर रहा है, इसको होश ही नहीं। अरे सुन, उसके सिस्टम में इतनी पावर है
कि जो यहां लगा गया उसका यहां कभी फटना ही बंद, पूरी जिंदगी में फटेगा ही नहीं। सिस्टम में पावर है, ताकत सिस्टम की है। कोई भी चीज अपनी जिंदगी में अपने अंजाम तक, अपनी अंतिम परिणति तक तब पहुंचती है जब आप सिस्टम में प्लग इन होते हो। एक ही ट्रेन का ट्रैक है, सैकड़ों ट्रेन रोज आती है और जाती है, क्या रोज 10-50 भिड़ती है? क्यों? सिस्टम। इतना बड़ा एयर ट्रैफिक है, लाखों फ्लाइट्स आती है और जाती है, क्या रोज 10-20 फ्लाइट भिड़ती है? क्यों? सिस्टम। ये घड़ी हम यहां बांधते हैं या नहीं बांधते? क्यों? बायोलॉजिकल बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, 18 महीने नहीं, क्यों? इस बिजनेस में भी जो मेहनत करता है और सिस्टम में रहता है वो 5 साल में डायमंड बनता है, क्यों? आप भी इस बिजनेस में कामयाब होंगे, क्यों? सिस्टम से वर्क करो। जिसको खबर ही नहीं है कि प्रॉब्लम है किधर, उसकी पूरी एनर्जी लाइफ में डिस्ट्रॉय होगी, एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी और रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। खबर ही नहीं है प्रॉब्लम कहां है, पकड़ में नहीं है। एक आदमी था, उसकी अजीब बीमारी हो गई, वो जिधर भी अंगुली लगाए उधर ही दर्द, ऐसी बीमारी हो गई। तो उसको बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, पूरा खोल के चेक कर लिया, पता ही नहीं चला ये कौन सी बीमारी है। दिल्ली एम्स भेज दिया, वहां निकाल के डाल लिया, पूरा समझ में नहीं आया ये कौन सी बीमारी है यार। फिर वापस जबलपुर आ गया, नाड़ा हिलाते हुए घूम रहा था। एक दिन एक वैद्य जी ने चेक किया, बाद में पता चला अंगुली में दर्द था। अब क्या करें? अब मैं आपसे पूछता हूं, इसके अलावा किधर से भी चेक करा ले, कभी प्रॉब्लम पकड़ में आएगी? आपको जिंदगी में पहले यह पता होना चाहिए कि मेरी कामयाबी और नाकामयाबी के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कि तू जो कर रहा है वो सिस्टम से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तैयार हो सिस्टम से वर्क करने के लिए? अगर आपको सिस्टम से वर्क करना है तो ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और ए सेट ऑफ डिटेल मेथड्स, सिद्धांतों का समूह है। हजारों बार उसको पहले इंप्लीमेंट करके हजारों बार अच्छे रिजल्ट्स तक पहुंचाया है, तब आप तक पहुंचा है, यह है सिस्टम। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब लोगों के द्वारा कामयाबी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बनाया गया रास्ता ही सिस्टम है।